फरवरी मार्च में लगने वाली सब्जियां कौन सी हैं? ये सब्जियां आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने घर के अंदर या घर की छत के ऊपर इजीली इन सब्जियों को लगा सकें जो फरवरी और मार्च के मंथ में लगती हैं। इसका मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पनीरी तैयार करनी होती है या इनके बीजों को डायरेक्ट तैयार करना होता है। जिस सब्ज़ी की पनीरी तैयार करनी है उसका मैं साथ साथ बताता चलूँगा, जिसके बीजों का आप डायरेक्ट लगाएंगे उसका भी साथ साथ बताता चलूँगा, और साथ आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बीज लगाने से लेकर हार्वेस्ट करने तक टोटल कितना टाइम लगेगा। मुख्तलिफ सब्ज़ियों का मुख्तलिफ टाइम होता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप बहुत सारी नॉलेज हासिल करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। आप अकेले अकेले इन्फॉर्मेशन मत लिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया करें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम अरवी की बात करते हैं। अरवी के बीजों को आप डायरेक्ट लगाएंगे, इसके पनीरी तैयार नहीं करनी, और जब बीज आप लगा लेंगे तो बीजों से लेकर हार्वेस्ट करने तक 180 दिन से लेकर 200 दिन लगेंगे। तो 200 दिन के बाद जाकर आप मिट्टी के अंदर से निकालेंगे तो नीचे अरवी बनी होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिटर गोर्ड करेले की। करेले के आप तीन किस्म के बीज, हाइब्रिड बीज, देसी बीज और एक दूसरे बीज आते हैं जो करेली के बीज होते हैं, इन सारे बीजों को आप इस सीज़न में लगा सकते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट लगाएंगे, इसकी पनीरी आप अगर इसकी पनीरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन पनीरी से इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता करेले का, तो करेले के बीजों को आपने डायरेक्ट लगाना है। तो डायरेक्ट लगाने से लेकर और करेले पूरा साइज़ बनने तक आपके 70 डेज लग जाएंगे। इसके बाद है कद्दू। कद्दू को आप डायरेक्ट लगाएंगे, इसकी आपने पनीरी तैयार नहीं करनी। पनीरी वैसे तैयार कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा पनीरी की निस्बत। तो ये भी आपको 80 डेज़ के अंदर कद्दू मिलना शुरू हो जाएंगे बेलों के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं बैंगन के। बैंगन वाइट बैंगन हो, ब्लैक बैंगन हो या लंबे बैंगन हो, किसी किस्म के बैंगन को आप इनकी पनीरी पहले तैयार करेंगे। पनीरी तैयार करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा डायरेक्ट की निस्बत। तो आपने कोशिश करनी है इसकी पहले पनीरी तैयार कर लेनी है। बैंगन के बीजों से लेकर और इसके हार्वेस्ट तक इसको टोटल 60 से 70 डेज लगेंगे, आपको बैंगन मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बारी आती है धनिया। धनिया पूरे ईयर में लगा सकते हैं, तो टोटल ये 40 डेज ले जाता है जब पूरा धनिया बन जाता है। इसके बाद है खीरा। खीरे के बीजों को भी आप डायरेक्ट लगाएंगे, इसकी पनीरी तैयार नहीं करनी, और ये टोटल जो हार्वेस्ट करने का टोटल टाइम होगा ये 50 से 70 डेज के अंदर खीरे बेलों के ऊपर लगना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद है हमारे पास मेथी। मेथी आपको 40 डेज़ के अंदर, 45 डेज़ के अंदर मिलना शुरू हो जाएगी। और मेथी के बीजों को आप डायरेक्ट लगाएंगे, इसकी पनीरी तैयार नहीं करनी। इसके बाद चलते हैं अगले पेज के ऊपर। अदरक। अदरक को आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं, और ये जो अदरक है टोटल 8 माह ले जाता है नीचे बनने तक। अदरक को पंजाब के अंदर बहुत मुश्किल से काश्त किया जाता है, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, फिर ही अदरक लगता है, या जिंजर वगैरह आप ईज़ीली नहीं लगा सकते। इसके बाद चलते हैं सब्ज़ मिर्चों की तरफ। तो सब्ज़ मिर्चों के बीज, हाइब्रिड बीज या देसी बीज, आप किसी किस्म के बीज ले सकते हैं। इसको फरवरी में आप ज़रूर काश्त कीजिएगा अपने घर के अंदर। इसकी पहले आपने पनीरी तैयार करनी है, लाजमी पनीरी तैयार करनी है। पनीरी फिर बड़ी स्पेस के अंदर ट्रांसप्लांट करनी है, और इसको टोटल 50 से 60 डेज लगेंगे मिर्चें ऊपर लगने तक, और एक पौधे के ऊपर 1.5 kg तक लग सकती हैं मिर्चें, अगर आपके पौधे की सेहत बहुत अच्छी है। तो सलाद पत्ते को आप फरवरी में लगा सकते हैं। इसका आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि आप वहाँ पे लगाएं जहाँ पे 3 घंटे तक धूप आती है और बाकी शेड भी चलेगा इसके अंदर। अगर प्रॉपर आप 8 घंटे की धूप देते हैं इसको, सलाद पत्ते को, तो ये इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि फरवरी के बाद ज़्यादा वो धूप लगना शुरू हो जाती है तो सलाद पत्ता सर्वाइव नहीं करता। इसके बाद चलते हैं पुदीने की तरफ। पुदीने को जुलाई, नवंबर, फरवरी, अप्रैल
साल तक आप इजीली लगा सकते हैं, किसी भी टाइम इनको इस पुदीने को आप लगा सकते हैं। इसके बाद है भिंडी। भिंडी के बीजों को आप मट्टी के अंदर लगाने से लेकर और इसके ऊपर भिंडी लगने तक पौधों के ऊपर 70 से 90 डेज लग जाएंगे इजीली। फरवरी, मार्च, जून, जुलाई इजीली भिंडी के बीजों को आप लगा सकते हैं। इसके बाद आता है अनियन। अनियन को भी आप लगा सकते हैं। अनियन के पहले पनीरी लाजमी तैयार करनी है आपने, अनियन की पनीरी को। फिर उस पनीर को आप ट्रांसप्लांट करेंगे, फिर उसके बाद आपको 150 से 180 डेज लग जाएंगे आपको नीचे प्याज बनने तक। इसके बाद चलते हैं पोटैटो की तरफ। आलू, आलू को दोबारा काश्त कर सकते हैं। पहले इसको सितंबर अक्टूबर में करते हैं, उसके बाद दोबारा फरवरी मार्च में इसके दोबारा बीजों को आप लगा सकते हैं। और इसकी पनीरी नहीं होती, इसको आपने डायरेक्ट लगाना होता है। तो आलू 110 दिन से 150 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आती है मूली। मूली को आप डायरेक्ट इसके बीजों को लगाएंगे, पनीरी तैयार नहीं करनी होती, और 30 से 60 डेज लग जाते हैं मूली बनने में। इसके बाद आती है पालक। पालक के बीजों को आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। पालक के बीज आप जब लगा लेंगे तो इसकी पनीरी आपने तैयार नहीं करनी, 50 से 60 डेज लगेंगे इस पालक बनने में। इसके बाद आती है तोरी। तोरी के बीजों की आप पनीरी भी तैयार कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाएंगे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, 60 से 70 डेज लगेंगे तोरी को जब आप तोरी तोड़ना शुरू कर देंगे। इसके बाद है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की पहले आप पनीरी तैयार करने वाले हैं, पनीरी के बाद आपने पौधों को ट्रांसप्लांट करना है। उसके बाद आपको 50 से 60 डेज लगेंगे शिमला मिर्च बनने तक, पनीरी से शिमला मिर्च बनने तक ये 50 से 60 डेज लगेंगे आपको। इसके बाद आ जाती है शकरकंदी। शकरकंदी को भी आप लगा सकते हैं, 140 दिन से लेकर 150 दिन लग जाते हैं। इसके बीज भी मिल जाएंगे आपको मंडी के अंदर से, और इसकी बेलों के साथ भी इसको लगाया जाता है, और ज़्यादातर किसान इसको बेलों की मदद से लगाते हैं। इसकी बेलें मट्टी के अंदर लगाते हैं और वो बेलें बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद नीचे आपको शकरकंदी बनना शुरू हो जाएगी और 140 दिन से 150 दिन लग जाएंगे। इसके बाद आया टिंडा। टिंडा वाइट टिंडा या ब्लैक टिंडा, मतलब देसी टिंडा या चपनी टिंडा, किसी किस्म का भी टिंडा आप लगा सकते हैं। इसकी किसी भी किस्म को आप इजीली लगा सकते हैं और 50 से 60 डेज लगेंगे इसके बीजों का। आप कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट लगाइएगा, आपने इसकी पनीरी तैयार नहीं करनी टिंडे की। इसके बाद है टमाटो। टमाटो की आपने पनीरी लाजमी तैयार करनी है, और उसके बाद आप पनीरी आप ट्रांसप्लांट कर देंगे, पनीरी से लेकर 60 से 70 डेज लगेंगे आपको टमाटो मिलने तक। इसके बाद आती है हल्दी। हल्दी के बीजों को आप डायरेक्ट लगाएंगे, खेलों के अंदर लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, और बीज लगाने से लेकर नीचे हल्दी बनने तक 110 दिन लग सकते हैं इजीली। तो ये सारी सब्जियां आप लगा सकते हैं अपने घर के अंदर, और ये 22 सब्जियां हैं जो आप इजीली अपने घर के अंदर इनकी पौधों को लगा सकते हैं। और ये सारे बीज आपको किसी भी वेजिटेबल मंडी के अंदर जाएं, पूरे पाकिस्तान में किसी भी वेजिटेबल मंडी के अंदर चले जाएं, वहाँ पर शॉप मौजूद होती हैं जो ये सीड सेल करती हैं स्पेशल, क्योंकि किसान सब्जी बेचने आए होते हैं तो उनको बीजों की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए वहाँ पर दुकानें बनी होती हैं जो बीज बेचती हैं। तो आप वहाँ से बीज ले सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, और ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, दराज वगैरह से भी ले सकते हैं। ये सारे बीज आपको इजीली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, और किसी भी वेजिटेबल मंडी के अंदर चले जाएं, वहाँ पे दुकानें मौजूद होती हैं तो वहाँ से भी आपको ये बीज मिल जाएंगे। खुले बीज ले लीजिए, देसी बीज मिलते हैं वो ले लीजिए, हाइब्रिड बीज थोड़े से महंगे होते हैं देसी बीजों की निस्बत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।